बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के चर्चे आम हो गए और लोग जोक दर जोक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे, तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की तजवीज़ सोचने लगा। उसने अपने साथियों से मशवरा किया कि क्यों ना हो मैं एक कुआँ खोदूँ, कुएँ को घास और मट्टी से ढाँप दूँ और ख़ुद बीमार बनकर लेट जाऊँ। जब मेरी अलालत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा तो ज़रूर मेरी अयादत के लिए आएंगे। जब वो इस कुएं से गुजरने लगेंगे तो माज़ल्ला गिरकर शहीद हो जाएंगे और हम कुएं को मट्टी से भर देंगे। कुफार को अबू जहल की ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कुआँ खोदा जिसके ऊपर घास और मट्टी डाल दी और ख़ुद बीमार बनकर लेट गया। जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की बीमारी का सुना तो आप खल्के अजीम की वजह से इसकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के दरवाज़े पर पहुँचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल ने अपने दरवाज़े पर आपके लिए कुआँ खोदा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप वापस तशरीफ़ ले जाने लगे। इस बात का जब अबू जहल को पता चला तो लंबी छलांग लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुएं में धकेलना चाहा, लेकिन जल्दबाजी में वो खुद कुएं में गिर गया। जब कुफार ने अबू जहल को निकालना चाहा तो सब नाकाम रहे। कुएं की तार से अबू जहल पुकारा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ, वही मुझे इस कुएं से निकाल सकते हैं। जब कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप फिर से वापस तशरीफ लाए। मंडेर के किनारे खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस कुएं से तुम्हें बाहर निकालूं तो क्या तुम मेरी तौहीद और रसालत पर ईमान ले आओगे? अबू जहल कहने लगा, हाँ ज़रूर मैं ईमान ले आऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया तो हाथ अबू जहल तक जा पहुंचा। अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर बाहर निकल आया तो बाहर आते ही बोला, मुआज़ अल्लाह, आपसे बड़ा जादूगर मैंने नहीं देखा।